फाइव पार्टिकल्स ऑफ मास 2 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द रिम ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, उसके रिम पे मतलब उसके पेरी पेरी पे उसके बाउंड्री पे यू हैव फाइव पार्टिकल्स ऑफ मास 2 kg। डिस्क का रेडियस है 0.1 और डिस्क का मास है निग्लिजिबल, मतलब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर नहीं करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज। अब ऐसा है, यू हैव अ डिस्क, यह डिस्क है, डिस्क के पेरीफेरी पे, पेरीफेरी मतलब बाउंड्री पे, बाउंड्री पे देयर आर फाइव पार्टिकल्स, तो लेट अस फर्स्ट सी हाउ इट लुक्स लाइक। तो ऐसा है, इंपॉर्टेंटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे पांचों पार्टिकल कहाँ पे है, बाउंड्री पे, तो एक यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा कहीं तो होगा, चौथा कहीं और होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड क्योंकि बोला है, क्या बोला है, रोटेशनल एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, तो आपको पता होना चाहिए सिंस रोटेशनल एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर, इसका मतलब है जो पांचों के पांचों हमने लिए वो उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना आर नहीं, क्योंकि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए क्या लगता है, आर का स्क्वायर, तो ये पांचों के केस में आर क्या है, सेम, और पांचों का मास कितना है, सेम। अब आप बोलोगे सिंस Since R and M are same, किसके लिए same? For all five particles, for all five particles. और disk का mass तो वैसे भी है नहीं, तो moment of inertia किससे आएगा, पांचों particles से, तो system का moment of inertia कितना आएगा, five times of moment of inertia of each particle, मतलब मैंने क्या किया, मैंने किया I1 प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव, लेकिन पांचों का क्या था, सेम था, इसलिए हमने क्या लिखा डायरेक्टली फाइव टाइम्स। जिनको नहीं समझ में आया तो मैं वापस लिख के बता देता हूं कि सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव, राइट right. लेकिन क्योंकि I1, I2, I3, I4, I5 सबके सब है इक्वल, बट I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I4 इक्वल टू I5 इक्वल टू I पार्टिकल, ओके, पार्टिकल का पार्टिकल, देन यू विल हैव फाइव टाइम्स ऑफ MR स्क्वायर, फाइव टाइम्स ऑफ MR स्क्वायर, मास कितना था हर एक का, 2, आर कितना था 0.1, 0.1 मतलब 10 पावर माइनस 1, उसका स्क्वायर मतलब 10 पावर माइनस 2 कितना, 10 पावर माइनस 1 मतलब कितना, 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 0.1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट अस गो अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट अ डायामीटर इज आई, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर क्या होता है, ये पता होना चाहिए, क्या होता है, पाई बाई फोर या एम आर स्क्वायर बाई फोर, हमेशा याद रखो अबाउट डायामीटर इज सेंटर ऑफ मास बाय टू, आई सी फॉर अ डिस्क इज एम आर स्क्वायर बाय टू मतलब बाय फोर, तो एम आर स्क्वायर बाय 4, 5 by 4 होता है अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, राइट, तो ये गलती मत करना, इसको बोला है I, दिस इज इक्वल टू I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर इज I। अब इफ यू लुक हियर, यहां से आपको मिल जाएगा MR square equal to 4I, तो therefore you have MR square equal to 4I, this is important। अब आगे क्या बोला है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस
परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द रिम, मतलब टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन का अगर केस याद होगा तो 3/2, मतलब आप क्या करते हो आईसी प्लस एम एच स्क्वायर, करेक्ट। और कौन सा केस है, डिस्क का केस है। तो अगर आपको याद है जो होना चाहिए नॉर्मली, ये है डिस्क, ये है आईसी एंड हियर यू हैव आईओ, तो आईओ इज इक्वल टू आईसी प्लस प्लस एम एच स्क्वायर बट एच इक्वल टू आर। तो ये होता है एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर स्क्वायर विच इज 3/2 एम आर स्क्वायर। बट अगर आपको याद होगा एम आर स्क्वायर वॉज 4i, 1 एंड 2 जा, तो दैट इज इक्वल टू 6i। तो 6i ऐसा ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg/m² रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 rads/s हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज मास ऑफ 12 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ। तो क्वेश्चन समझ लो पहले, एक बॉडी है जो रोटेट हो रहा है विथ सम वैल्यूज, वो बाद में देखेंगे, हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को बताया है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, गया और गया। आपको क्या पूछा है, वी, तो यहां से आपको मिल जाएगा, फ्रॉम दिस यू विल गेट वी स्क्वायर इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर बाय एन। तो v you will get as under root of I omega square by m. तो I is 3, omega कितना 2, 2 का square कितना, mass कितना 12, 12 और 12 1, तो root of 1 is 1, तो v is 1 m/s. So we are going to start with questions of CET exam. पिछले साल उससे पहले सीईटी एमएसटी सीईटी में जो जो क्वेश्चन आए थे वी विल बी सॉल्विंग दैट फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच वाज आस्क्ड इन 2020 इफ देयर इज अ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम 1 J/s टू 4 J/s देन द टॉर्क इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसमें हमने ये प्रूव किया था, I mean we have derived this dl by dt is equal to torque. If you remember, हमें बताया है initial momentum कितना 1, final कितना 4, ये change कितने time में हुआ 4 seconds, तो final momentum minus initial momentum upon time equal to torque, खत्म, 4 minus initial is 1, 3 और ये आएगा 4, तो torque कितना आ गया 3/4 J, ऑप्शन नंबर बी। तो डन, यू हैव ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अ थिन यूनिफॉर्म रॉड हैज मास m एंड लेंथ l, the moment of inertia about an axis perpendicular and passing through the point at a distance L/3 from one of its end will be, ye important hai, distance kahan se measure kiya hai, from one of its ends, so you should know, aapko already pata hona chahiye what is moment of inertia of a rod about an axis passing through its center and perpendicular to its length, so ml² / 12। तो आइडियली यू शुड नो, अगर हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, ऑब्वियसली द रॉड इसका जो लेंथ है वो एल है और एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, राइट, इसका हमको पता होता है, दिस इज सेंटर ऑफ मास सी, लेट अस से
ये हमको पता होता है IC इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12, एंड क्योंकि इसका पूरा लेंथ था, कितना लेंथ था इसका L, तो यहां से यहां तक हो जाएगा L बाय 2। और आपको बोला है कि जो दूसरा एक्सिस है जिसके अबाउट ये सिस्टम रोटेट हो रहा है वो कहां से पास हो रहा है, L बाय 3 से, कहां से, वन ऑफ इट्स एंड्स, मतलब जो L बाय 3 डिस्टेंस है, लेट अस से दिस इज पॉइंट O, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है पासिंग थ्रू पॉइंट O, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ L बाय 3, कहां से, वन ऑफ इट्स एंड से, सेंटर से नहीं, कहां से, वन ऑफ इट्स एंड से, क्योंकि अगर सेंटर से लेते हो तो आंसर गलत होगा। तो दिस एक्सिस इज फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, यहां से भी ले सकते थे, यहां से भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट अस कॉल दिस एज एच, कौन सा थ्योरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वेरी गुड। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, अब h फाइंड करना तो दिख रहा है हमको, l बाई थ्री प्लस एच इक्वल टू एल बाई टू, तो l बाई टू इज l बाई थ्री प्लस एच, तो h इज इक्वल टू l बाई टू माइनस l बाई थ्री, थ्री एल माइनस टू एल, एल अपॉन थ्री इंटू टू सिक्स, तो l बाई सिक्स, तो आपको h मिल गया विच इज l बाई सिक्स। IC तो आपको पता ही है कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 12, m into h, h कितना है l by 6 का square, तो यह आ जाएगा ml square by 12 plus ml square by 36। अब ऐसा है 4 से multiply divide कर लो पहले term को, अगर आप 4 से multiply divide करते हो first term को, तो ml square by 36, 4 से ना, कि 3 से, 3 से, 4 से कि 3 से, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3, तो 3 एम एल स्क्वायर बाई 36, तो प्लस एम एल स्क्वायर बाई 36 कितना आ गया, 4 एम एल स्क्वायर बाई 36, 4 एम एल स्क्वायर बाई 36 मतलब एम एल स्क्वायर बाई 9, तो यू विल हैव दिस एज 4 एम एल स्क्वायर बाई 36 विच इज एम एल स्क्वायर बाई 9, 4 एम एल स्क्वायर बाई 36 एम एल स्क्वायर बाई 9, तो आपको एम एल स्क्वायर बाई 9 ऐसा आंसर मिलना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बी केयरफुल, कहां से डिस्टेंस बोला है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिस्टेंस कहां से मेजर किया था, फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस कहां से मेजर किया था, फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स, फ्रॉम सेंटर से बोला होगा तो दैट इज डायरेक्टली एच, बोला होता फ्रॉम सेंटर ऑफ मास तो डायरेक्टली दिया होता एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिंग टू अ डिस्क बोथ सर्कुलर ऑफ सेम रेडियस एंड मास, दोनों का रेडियस भी सेम है मास भी सेम है, अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो अगर आपको याद होगा आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ गायरेशन, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया तो रेडियस ऑफ गायरेशन आपको मिल जाएगा। डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज फॉर रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू एम आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये हमको पता होता है एम आर स्क्वायर, और दूसरा एक्सिस ऐसा है तो एम आर स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर, बट व्हाट इज एच, एच इज इक्वल टू आर, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, तो ये आपको पता होता है टू टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, और रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर वो याद नहीं मैंने बताया था ये रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का, दिस इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अगर याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ यू डू नॉट रिमेम्बर कम से कम ये तो याद होना चाहिए कि रिंग के केस में या कुछ किसी भी केस में जनरल इट इज आई बाय एम, तो आई कितना, टू एम आर स्क्वायर बाय एम, 2 आर स्क्वायर रूट के अंदर, तो कितना रूट 2 आर, तो दिस इज रूट 2 आर, तो रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अ रिंग इज रूट 2 आर। डिस्क का जो केस था, इन केस ऑफ डिस्क व्हाट यू हैव इज, डिस्क के केस में अभी आपको याद होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये है एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, कितना 3 mr square, 3 mr square by 2, तो h equal to r,
ये आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज आई सी विच इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू। ये फाइंड करने के लिए यू ऑलरेडी नो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर स्क्वायर, मतलब थ्री एम आर स्क्वायर बाय टू। फिर यहां से रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाएगा डिस्क के केस में 3mr² / 2m, mm कैंसल, तो कितना √3/2 × r। तो रिंग का है, डिस्क का भी है, दोनों का रेशो ले लो, बहुत सिंपल है। तो kr/kd ये है √2r, ये है √3/2r, आर आर कैंसल क्योंकि रेडियस दोनों का बहुत था सेम, तो ये ऊपर जाएगा तो √2 × √2 आ गया 2, तो 2/√3, 2:√3 इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड l। तो आपके पास तीन पॉइंट मासेस है, इक्वल मासेस है, दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड l। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द वर्टाइसेस एंड पैरेलल टू द साइड जॉइनिंग द अदर टू वर्टाइसेस विल बी। तो ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इक्विलैटरल ट्रायंगल, आई कैन नॉट सी वेदर इट इज इक्विलैटरल और नॉट, तो इमेजिन कर लेना कि इट इज इक्विलैटरल। हाँ, तो अभी समझ लेना कि इट इज इक्विलैटरल, इवन दो इवन इफ इट इज नॉट यू हैव टू इमेजिन दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। फाइन, ओके, गुड इनफ। देन इसके तीन वर्टेक्स है, तीनों पे सेम मास रख दिया, सेम मास रख दिया, एम एम एंड एम। Let me call this as A vertex, B vertex and C vertex. अब axis of rotation जो है वो एक vertex से पास हो रहा है, लेकिन दो बाकी के जो दो vertex है वहां पर जो side बनेगा उसको parallel है। तो basically नहीं भी होता, नहीं भी बोला होता मतलब, तो भी वैसा ही होने वाला है, because you cannot have axis like this. ऐसा axis हुआ तो वो एक vertex से पास नहीं होगा, वो कितने से पास होगा, दो से। तो वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जब एक से पास हो रहा है ऐसा बोल दिया तो ऐसा ही हो सकता है, यू कैन हैव ओनली दिस पॉसिबिलिटी। तो यू कैन हैव अ वर्टेक्स पासिंग थ्रू ए, करेक्ट, राइट। अगर एक से पास हो रहा है तो अपोजिट साइड को पैरेलल ही होगा, कहीं से भी पास होने दो, यहां से भी पास हो सकता था। हाँ, तो अपोजिट को पैरेलल है कि नहीं, यस yes. यहां से भी पास हो सकता था, तो अपोजिट को पैरेलल है, यस। हाँ, तो दिस इज हाउ इट इज। नाउ अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम निकालना है, मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो आई टोटल, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लस दैट ऑफ बी प्लस दैट ऑफ सी। याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वेयर। इस केस में आई ए जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, डिस्टेंस इज जीरो, क्योंकि एक्सिस खुद ए पॉइंट से पास हो रहा है, तो आई ए इज जीरो, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, तो आई ए इज जीरो सिंस डिस्टेंस इज जीरो। या फिर ऐसा बोलने से बेटर, सिंस एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू ए, सिंस एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू ए, passes through A, this is what you will have, okay, IA equal to 0, IB or IC will be same, IB or, well, iska side ka length kitna L, to IB or IC, ye dono aega same, kitna aega, how much mass, mass kitna hai, M, distance kitna hai, L नहीं है L, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगता है। तो याद रखना, यू शुड रिमेम्बर, यू नीड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास का।
कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये जो मास है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, करेक्ट। सिमिलरली इस मास का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस। अब ये दोनों डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? तो राइट एंगल ट्राइंगल है ये, पाइथागोरस थ्योरम। ये टोटल डिस्टेंस एल था तो ये साइड आ गया एल बाई टू। तो अगर आपको इसको डी पॉइंट बोल देते हैं, अगर आपको ए डी फाइंड करना है तो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ए सी कितना है? एल एल स्क्वायर। डी सी कितना है? एल बाई टू, उसका स्क्वायर एल स्क्वायर बाई फोर, एल स्क्वायर बाई फोर। वैसे इतना करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। व्हाट इज दिस? 3L² / 4। इसका रूट लोगे तो कितना? अंडर रूट ऑफ 3L/2। तो पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर ही है, राइट, तो ये हमेशा होता है कितना? होता है √3L/2। तो ये पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। कौन सा डिस्टेंस मिल गया? किसका डिस्टेंस? मास का। कौन से मास का? बी और सी पे। कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। गुड। तो आई बी एंड आई सी, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? वैसे हमने स्क्वायर निकाला ही था तो वापस से इसको लिखना नहीं, डायरेक्टली 3L² / 4। तो 3L² / 4। तो सिस्टम का टोटल सिस्टम का क्या आएगा? आई ए विच इज जीरो। आई ए तो जीरो है ना, आई ए जीरो। वॉट इज आई बी? एम इंटू 3L² / 4। वॉट इज आई सी? एम इंटू 3L² / 4। मतलब दो बार सेम टर्म आ गई, तो 2 × m × 3L² / 4 मतलब 3ml² / 2। तो 3ml² / 2, 3ml² / 2, ऑप्शन नंबर सी। वापिस बता देता हूँ, समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तीनों वर्टेक्स पे सेम मास था, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक वर्टेक्स से पास हो रहा है और अपोजिट साइड को पैरेलल है। तो सिस्टम कैसे रोटेट होगा? अबाउट दिस एक्सिस, मतलब ये दो मासेस ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। तो इस एक्सिस के अराउंड रोटेट होना मतलब वो जो नीचे के दो मासेस है दे आर गोइंग लाइक दिस, करेक्ट। अब टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों के एडिशन से आएगा, आई ए आई बी एंड आई सी के। आई ए इज जीरो क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन उसी पॉइंट से पास हो रहा है तो डिस्टेंस है जीरो। अब सी और बी पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बहुत सिंपल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। ये जो डिस्टेंसेस है ये पैरेलल है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। तो ये साइड एल है, ये एल बाई टू है, तो ये आ जाएगा आपका 3√3L/2। तो इसका स्क्वायर √3L/2, मतलब ये डिस्टेंस भी √3L/2 और ये डिस्टेंस भी √3L/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई बी एंड आई सी विल बी मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है? 3L² / 4। जिनको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, कुछ करना नहीं है। दिस इज इक्वल टू, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ वाई डिस्टेंस, ठीक है, वाई एंड वाई। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एम इंटू वाई का स्क्वायर। तो ए डी मतलब वाई, तो ये भी आ गया वाई, तो ये आ गया वाई का स्क्वायर। डन हो गया, फिर सिर्फ ऐड करना। डन। ऑलराइट, सो जस्ट टू टेल यू अ ट्रिक, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व ओरली आल्सो, प्रोवाइडेड आपके मैथ्स के बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो ओरली क्वेश्चन हो जाता है। कैसे? तो यू नीड टू थिंक, और हमेशा याद रखना कि जो फ्लो होता है ना, थॉट्स का फ्लो, दैट शुड बी प्रॉपर। तो सबसे पहले ट्राइंगल इक्विलैटरल बोला था तो यू मस्ट इमेजिन इक्विलैटरल ट्राइंगल। देन एक्सिस एक वर्टेक्स से पास हो रहा है, मतलब ये तो पक्का हो गया कि इस पे जो मास होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। देन बाकी दो मासेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अगर आपको याद है जो होना चाहिए, अगर साइड एल है तो ये हमेशा आता है √3L/2,
और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वैसे भी लगता है इसका स्क्वायर कर लिया तो 3L² / 4, लेकिन ऐसे दो मासेस थे तो 2, और मास तो मल्टीप्लाई किया नहीं तो 3ML² / 2 खत्म। तो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक। तो एक के लिए करना मल्टीप्लाई सेकेंड, और एक तो जीरो ही था तो एक के लिए कितना आएगा 3ML² / 4, दो के लिए कितना आएगा 2 3ML² / 4। तो दिस इज हाउ यू शुड बी थिंकिंग। इट हार्डली टेक्स 30 सेकेंड्स टू गेट टू दिस आंसर, 30 सेकेंड भी बहुत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कुलर लूप्स ए एंड बी ऑफ रेडाई आर एंड एन आर रिस्पेक्टिवली आर मेड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म वायर इज अ वायर विच इज इक्वली थिक एवरीवेयर, हर जगह पे उसका क्रॉस सेक्शन सेम होगा, राइट। आगे बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी अबाउट इट्स एक्सिस इज 3 times दैट ऑफ ए अबाउट इट्स एक्सिस इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ अ रिंग इज हाउ मच mr square, गुड। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो पहले समझ लो, यू हैव टू सर्कुलर लूप्स, एक है a दूसरा है b, एक का रेडियस है r दूसरे का रेडियस है nr। तो दिस इज व्हाट यू हैव, a के रेडियस को मैं r1 बोलता हूं, b के रेडियस को मैं बोल देता हूं r2। तो r2 इज nr whereas r1 इज r, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, बी का। ये ए है और ये बी है, और एक्सिस कहां से पास हो रहा है, थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब बाहर आ रहा है, दोनों केस में एक्सिस इज कमिंग आउट, गुड। तो आई बी क्या बोला है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी इज हाउ मच 3 times ऑफ ए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी इज 3 times ऑफ ए, मतलब आई बी बाय A, I, A is 3, तो रेशो 3 दे दिया। देन आपको फाइंड करना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, लेकिन n किस में अपीयर हो रहा है, रेडियस में, मतलब रेडियस का रेशो चाहिए इन शॉर्ट, राइट। तो अभी क्या करोगे, अभी आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर अ रिंग, mr², करेक्ट। मास दोनों का सेम है क्या, नहीं है, लेकिन दोनों वायर क्या है, यूनिफॉर्म है। तो मास को लिखोगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू आर स्क्वायर। बट आपको पता होना चाहिए कि रिंग का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आपको याद है हमने रिंग का थिकनेस एरिया कैसे निकाला था, सरकमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, मतलब 2 pi r into dr, where thickness was dr. अब if I have a ring, ये वायर है, इसका रिंग बना लेंगे, इसका थिकनेस है, मैं इसको काटूंगा तो क्या दिखेगा, सर्कल, मतलब क्या दिखेगा, पाई आर स्क्वायर, राइट। याद रखना, इसको बना दिया रिंग लूप, ये रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ये रेडियस किसका है, रिंग का, और थिकनेस में जो पाई आर स्क्वायर बोला था वो रेडियस किसका था, वायर का। आर आर वन आर टू जो हमने लिखा है वो किसका रेडियस है, रिंग का। और जब आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में आप बोलोगे एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन वॉल्यूम निकालना है तो एरिया जब लोगे, किसका एरिया लोगे, वायर के क्रॉस सेक्शन का, उसका रेडियस और इस रिंग के रेडियस का कोई रिलेशन नहीं है, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। जैसे आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला, कैसे फाइंड किया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2πr dr, वैसे ही क्या करोगे, इतना ही करोगे अब वॉल्यूम निकालने के लिए। और मैंने बताया था कि एरिया के डायमेंशन क्या होते हैं, l2, इसलिए हमने क्या किया था, 2πr dr। वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या होते हैं, l3, तो क्या करेंगे, 2πr इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया πr², लेकिन मैं आपको वापस बताता हूं, वो r जो है वो रेडियस ऑफ वायर है,
ये स्मॉल आर जो हमने लिखा है ये रेडियस ऑफ रिंग है। रेडियस ऑफ रिंग और रेडियस ऑफ वायर दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। तो इन शॉर्ट एक काम करते हैं, जस्ट नॉट टू गेट कंफ्यूज, नॉट टू गेट कंफ्यूज, हम इसको स्मॉल आर से डिनोट ही नहीं करेंगे। कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ रिंग, स्मॉल आर मतलब रेडियस ऑफ प्रोसेस, रेडियस ऑफ वायर। ओके, तो मैं इसको बोल दूंगा कैपिटल। तो आई पुट दिस इन कैपिटल, आर टू इक्वल टू एन आर एंड आर वन इक्वल टू आर। तो इसको भी बोल दूंगा मैं कैपिटल, क्योंकि आपको पता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिंग का ही रेडियस होता है। तो रिंग का रेडियस कितना है आर, तो ये कितना है आर। वॉल्यूम कितना आएगा, 2 पाई आर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। व्हाट इज स्मॉल आर, रेडियस ऑफ वायर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, इंटू डेंसिटी इंटू आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर रो आर क्यूब। दोनों वायर क्या थे, यूनिफॉर्म थे। यूनिफॉर्म मतलब दोनों वायर का थिकनेस क्या था, सेम था। अगर थिकनेस सेम था तो आर क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म वायर मतलब डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। 2 पाई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड किया, आर के क्यूब पे। हमें आर बी बाय आई, सॉरी आई बी बाय आई पता है, लेकिन आई किस तो प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब। मतलब हमें क्या पता है, आर बी क्यूब अपॉन आर ए क्यूब। तो आई बी बाय आई ए इज आर बी क्यूब बाय आर ए क्यूब, लेकिन ये कितना है, 3। तो आर बी बाय आर ए कितना आएगा, कितना आएगा, क्यूब रूट ऑफ 3। ये क्यूब है तो क्यूब रूट ले लो, तो क्यूब रूट ऑफ 3। बट व्हाट इज आर बी, एन आर। व्हाट इज आर ए, कैंसिल एंड कैंसिल। तो व्हाट इज एन, 3 रेस टू 1 बाय 3। तो 3 रेस टू 1 बाय 3 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, तो बिफोर वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ बाय रूल यू शुड रिमेम्बर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ वायर, डेंसिटी ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर का स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ वायर एंड रेडियस ऑफ रिंग का क्यूब। अगर इतना याद रह गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आर स्मॉल आर स्क्वायर रो आर क्यूब, फिर किसी क्वेश्चन में बोलेंगे डेंसिटी अलग है, किसी में बोलेंगे रेडियस ऑफ रिंग अलग है, किसी में बोलेंगे रेडियस ऑफ वायर अलग है, तो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रोप इज वाउंड अराउंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड रेडियस 0.4। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। सिलेंडर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। हमने कल सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, सिर्फ वहां पे वैल्यूज अलग अलग थी। इफ आई रिमेम्बर फोर्स वॉज 13 न्यूटन, मुझे याद नहीं, शायद होगा। तो क्वेश्चन इज सेम, आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर हमने वायर को वाउंड करके रखा है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया भी था कि पहले पूरा फॉर्मूला बना लो और बाद में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो। इसके ऊपर वायर वाउंडेड है, फिर हमने इस वायर को एक एंड से पुल कर लिया, पुल कर लिया तो ये सिस्टम रोटेट होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से पुल किया था, कितना फोर्स है यहाँ पे, 25 न्यूटन। तो जब इसको वायर को खींचोगे तो सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर है ये, सॉलिड सिलेंडर, स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो मैंने बताया था कि रोटेशन है तो टॉर्क है, टॉर्क होता है आर एफ, बट टॉर्क होता है आई अल्फा। तो इन दोनों से आपको मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा आई अल्फा इक्वल टू आर एफ। हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा, अल्फा फाइंड करना है। तो यहां से आपको मिल जाएगा अल्फा, अल्फा क्या आएगा, आर एफ बाय आई। लेकिन सॉलिड सिलेंडर का आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। तो फॉर्मूला बन गया अल्फा इक्वल टू आर एफ अपॉन एम आर स्क्वायर बाय 2। 2 गया ऊपर, वो शायद हॉलो था, ये है सॉलिड। तो ये डिफरेंस है, वहां पे 2 नहीं आएगा क्योंकि वो कौन सा था, हॉलो सिलेंडर। यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर। 2 इंटू आर, आर कितना दिया है, 0.4 मीटर में, वहां पे 25 सेंटीमीटर दिया था, 4
फोर्स इज 25 मास कितना दिया है 1 किलोग्राम वेरी गुड और अच्छा एक आर एक आर कैंसिल ही कर लो ठीक है ज्यादा बेटर तो वन आर इफ यू कैंसिल तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ये आएगा नीचे वेरी गुड 10 25 हाँ सिंपल दिस इज हाउ मच ये 50 नीचे 4 × 10⁻¹ मतलब 500/4 125 क्या रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा ये 125 है तो है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इफ रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज डबल बाय कीपिंग मास कांस्टेंट द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर सॉरी देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर इज इट्स अ जोक देखो ऐसा नॉट 1:1 नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका सॉलिड स्फीयर का अबाउट एनी डायमीटर ये होता है 2/5 एम आर स्क्वायर इसमें 2/5 तो कांस्टेंट है एम भी बोला है कांस्टेंट है तो आई प्रोपोर्शन हो गया आर स्क्वायर को अभी आपको पूछा है कि रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई वन बाय आई टू गिवन क्या है रेडियस क्या किया डबल मतलब आर टू को क्या कर दिया 2 times ऑफ आर वन तो आर वन बाय आर टू कितना हो गया 1/2 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो I1/I2 इज इक्वल टू I1/R1/R2 का स्क्वायर R1/R2 कितना 1/2 राइट 1/2 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 राइट क्योंकि मास कांस्टेंट बोला था इसके लिए करेक्ट है श्योर तो ठीक है अगर आप बोल रहे हो करेक्ट है तो मैं कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा गुड बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ यू रिमेंबर 2/5 एम आर स्क्वायर राइट बट इफ यू रिमेंबर ये होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आर स्क्वायर बट वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर तो ये क्यूब और ये कितना आ गया आर रेस टू 5 हाँ तो फिर आर वन बाई आर टू रेस टू 5 होना चाहिए या फिर दिस वन मास कांस्टेंट बोला है मतलब डायरेक्टली मास को कांस्टेंट ही लेना है उस केस में वॉल्यूम और डेंसिटी बीच में नहीं लाना तो दिस इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 And a very important and good question. A thin metal wire of length L and uniform linear mass density. The rho is not volume density, it is linear density. Is bent into a circular coil with O as center. The moment of inertia of a coil about the axis XX dash is equal to. So, 4 options hai. इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड लेंथ है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड लेंथ है तो अच्छे से क्वेश्चन समझ लो ऐसा है कि हमारे पास था पहले एक वायर जिसका लेंथ कितना था L इसको क्या किया लूप मतलब क्या बना दिया रिंग और इसका रेडियस कितना है दिया है कितना है R तो मुझे बताओ अगर आपके पास ये L था L बाद में क्या बन गया 2πr बन गया तो L इक्वल टू क्या लिखोगे 2πr सिंपल तो r कितना आ गया L/2π ये L एंगुलर मोमेंटम नहीं है ये L क्या है लेंथ ओके देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो आप उसके बाद इसको रोटेट करवा रहे हो अबाउट एन एक्सिस xx डैश तो यही लूप ले लिया और इसको रोटेट करवा दिया अबाउट एन एक्सिस दिस एक्सिस इज टेंजेंट कहाँ पे इन इट्स प्लेन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन ऑफ अ रिंग इफ यू रिमेंबर
नहीं याद रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू सी इफ यू डू नॉट रिमेंबर, जस्ट जस्ट रिमेंबर व्हाट इज थ्रू सेंटर ऑफ मास. व्हाट वाज दिस एम आर स्क्वायर. और अगर अबाउट डायामीटर चाहिए तो इसका हाफ कर देना, एम आर स्क्वायर बाय टू. ये चाहिए तो एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना, थ्री, थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर. तो यह आ जाएगा थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, राइट. व्हाट इज मास, व्हाट इज मास, वॉल्यूम नहीं, लेंथ इनटू डेंसिटी, क्योंकि ये लीनियर डेंसिटी है तो लेंथ इनटू डेंसिटी. आर क्या है, L by 2 pi का स्क्वायर, ये क्या आएगा 3 by 2 L और L स्क्वायर, L क्यूब, और ये आ जाएगा नीचे 4 pi स्क्वायर, 4 into 2 is 8, तो ये आ जाएगा 3 by 8 rho L क्यूब upon pi स्क्वायर, तो 3 by 8 rho L क्यूब upon pi स्क्वायर, 3 by 8, 3 by 8 rho L क्यूब upon pi स्क्वायर, ऑप्शन नंबर A, 3 rho L cube upon 8 pi square. Good. Question number 8. Next question. Next question. Three identical rods of mass m and length l. Three identical, identical मतलब तीनों का length और mass same है, बताया भी है. Are joined to form a symbol h. So they are joined to form a symbol h. The moment of inertia of the system about one of the sides of h. One of the sides of h. Right. तो पहले question समझ लो. आपके पास तीन rod है. Of the same dimensions, मतलब same length and identical of same mass. So ऐसा है, what you are doing is, इसको आप H बना रहे हो, तो you're making in the shape, converting it in the shape of H. तो याद रखना, इसको shape H देना है, तो this is how it is. तो ये आ गया, और एक यहाँ पे आएगा, like this. और आप इसको rotate कर रहे हो, about one of its sides. About one of its sides, मतलब यहाँ से, या फिर वहां से, दोनों में से एक, राइट. तो एक तो यू पुट एक्सिस रोटेशन ओवर हियर, या फिर यू पुट इट ओवर हियर, दोनों में से कोई भी है. अब ये है रॉड नंबर वन, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जीरो. ये है रॉड नंबर टू, ये है रॉड नंबर थ्री. तो टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई वन विच इज जीरो, आई टू प्लस आई थ्री. अब आई वन इज जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि एक्सिस वहीं से पास हो रहा है, वहीं से पास हो रहा है तो जीरो. तो आई वन इज जीरो सिंस एक्सिस पासेस थ्रू इट, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू इट, तो डिस्टेंस जीरो. अगर आप सेकेंड रॉड देखोगे आई टू, इफ यू सी आई टू, आई टू इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड. डू यू रिमेम्बर, अगर हमारे पास rod hai which is rotating about center of mass ml square by 12, rotating about one end ml square by 12 plus ml square by 4, yaad hai ki bhul gaye, parallel axis theorem. So I2 is IC plus ml by 2 ka square, to ye tha ml square by 12, ये है एम एल स्क्वायर बाय 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था अगर याद होगा तो. तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस 3 एम एल स्क्वायर बाय 12 4, यस. तो एम एल स्क्वायर बाय 3 इन टोटल, क्योंकि 4 बाय 12 दैट इज एम एल स्क्वायर बाय 3. तो अभी नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट टाइम से आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड. व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड,
ml square by 3. So it is ml square by 3. I2 is ml square by 3. अब ये जो I3 है, I3 ऐसा है, imagine, look and imagine, I3 ऐसा है, ये कैसा है, ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा मास रोटेट हो रहा है. पूरा का पूरा मास जब एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा तो उस केस में सीधा सीधा क्या लिखते हो, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. ये एक्सिस था, एक साइड था, ये दूसरा साइड है. एक साइड तो फिक्स हो गया क्योंकि रोटेशन एक्सिस वहां से पास हो, दूसरा साइड क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है. कितने डिस्टेंस पे रोटेट हो रहा है, एल डिस्टेंस पे रोटेट हो रहा है. तो जब एक मास एल डिस्टेंस पे रोटेट हो, ये डिस्टेंस एल है, डू नॉट फॉरगेट दिस इज एल. तो जब एक मास एल डिस्टेंस पे रोटेट होगा, जब एक मास आर डिस्टेंस पे रोटेट होगा, तो क्या लिखते हो, एम आर स्क्वायर. इफ अ मास रोटेट्स एट अ डिस्टेंस आर, देन यू राइट एम आर स्क्वायर. हियर यू विल राइट एम एल स्क्वायर, राइट. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई वन विच इज जीरो, आई टू विच इज एम एल स्क्वायर बाय थ्री प्लस एम एल स्क्वायर वन बाय थ्री प्लस वन कितना, 4 by 3. तो 4 by 3 ml square होना चाहिए, 4 by 3. ऑप्शन नंबर डी. तो ऑप्शन नंबर डी. दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व ओरली एज वेल. सिर्फ आपको इक्वेशंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पता होना चाहिए. ये जो साइड है, पहला साइड है, यहीं से एक्सिस पास हो रहा था, तो एक्सिस वॉज पासिंग फ्रॉम दिस साइड, मतलब ये तो कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला है नहीं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट इज जीरो. जो सेकेंड रॉड है वो रोटेट हो रहा है अबाउट वन एंड, मतलब एम एल स्क्वायर बाय थ्री. और जो तीसरा रॉड है वो एक्चुअली है मास, और वो रोटेट हो रहा है अबाउट एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ एल. तो एम एल स्क्वायर, तो व्हाट इज एम एल स्क्वायर बाय थ्री प्लस एम एल स्क्वायर, 4 ml² / 3. तो ओरली क्वेश्चन सॉल्व होता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन अ 12,000 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ फ्लाईव्हील, इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 10 Hz to 20 Hz. The moment of inertia of flywheel about its axis of rotation is, take pi square equal to 10. Moment of inertia of a flywheel find करना है, और how much work is done, 12,000 joule. क्या करने के लिए, frequency of rotation को बढ़ाने के लिए, मतलब पहले slow rotate हो रहा था, अभी क्या करना है, fast. अगर एक body slow speed के साथ straight line में move हो रहा है और उसका speed बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. यहाँ पे अगर एक बॉडी स्लो रोटेट हो रहा है, उसको फास्ट करना है, तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा. वेरी गुड. तो ये याद रखना, ये पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो वर्क डन इज नथिंग बट टॉर्क अप्लाइड, बेसिकली वर्क डन इज टॉर्क, करेक्ट. एंड टॉर्क इज आई अल्फा, एंड व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट इज what I, and so I is torque upon alpha. What, how do you find out alpha? What is alpha? Omega final minus omega initial upon time. Time बताया है क्या? नहीं बताया. तो देखते हैं उसको क्या करते हैं, we'll see. Then okay, then अभी torque, what is torque by dimensions? What is torque by dimensions? Torque is R into F. F मतलब M1, L1, T minus 2 और R. Yes. What is energy by dimensions? कोई भी ले लो, MgH ले लो, Mv square ले लो, Mv square by 2, M1, L2, T minus 2. तो सेम है. Yes, so that is why I wrote torque and work are same, because work is also energy. Good. So यहाँ तक तो हो गया. Now, what will you do? क्योंकि यहाँ पे आपको
फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन इंक्रीज करने के लिए बोला है और सीधा पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यू डोंट नो व्हाट इज द टाइम, तो क्या करेंगे? टॉर्क, वर्क डन, वर्क डन पता है, वर्क डन इज टॉर्क एंड दैट इज व्हाट यू नो, दिस इज 12,000, ठीक है 12,000. ओमेगा फाइनल कितना? 2 पाई एन फाइनल, और ये कितना? 2 पाई एन इनिशियल. तो 12,000 अपॉन 2 पाई, राइट, 2 पाई एन फाइनल कितना? 20, इनिशियल कितना? 10, राइट. तो दिस इज आई नो टाइम, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ टाइम का क्या करेंगे. तो 12,000 अपॉन दिस इज 10 इंटू 2, 20, करेक्ट. तो ये आ जाएगा 20 पाई, वेरी गुड. और टाइम कैंसल एंड कैंसल, 1,600. अगर अभी टाइम का इंफॉर्मेशन होती तो क्वेश्चन वॉज ऑलमोस्ट सॉल्व. तो हमारे पास टाइम का इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करेंगे? वॉट विल यू डू इफ यू डू नॉट नो वॉट इज द टाइम इट टेक्स? तो याद रखना, वर्क डन. डू यू रिमेम्बर 11th स्टैंडर्ड में आपने ऐसा कुछ सीखा था, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल सीखा है आपने, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सीखा है. तो द वर्क डन ऑन अ बॉडी अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन ऑन अ बॉडी अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है ना, हाँ, तो स्पीड बढ़ेगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, इनिशियल कम होगा. तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा दो, वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं? मैं एम वी स्क्वायर के स्क्वायर पर ऐसा क्यों लिख रहा हूं? मुझे फाइंड आई करना है, तो आई विल कीप आई इन द इक्वेशन. तो 1/2 आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर, राइट, माइनस 1/2 आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर. वर्क डन इक्वल टू 1, यस, ये बाहर ओमेगा फाइनल कितना होता है? 2 पाई एन फाइनल इसका स्क्वायर, माइनस ओमेगा इनिशियल कितना होता है? 2 पाई एन इनिशियल का स्क्वायर. तो जिनको समझ में नहीं आया, मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने सिर्फ आई वाई टू कॉमन निकाला, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर. ओमेगा फाइनल 2 पाई एन फाइनल, ओमेगा इनिशियल 2 पाई एन इनिशियल, राइट. तो अब ऐसा है, ये आ जाएगा आपका वर्क डन इक्वल टू आई बाय 2, 2 पाई का स्क्वायर और 2 पाई का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आउटसाइड, एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर, राइट. अब सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वर्क डन कितना था? 12,000. आई की वैल्यू क्या करनी है? फाइन, राइट, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर. एन फाइनल कितना था? 20. 20 का स्क्वायर कितना? 400. इसका कितना? 100. तो 300, गुड. 1s and 2s are. तो 12,000 इक्वल टू आई, दिस इज पाई स्क्वायर इज 10, 20 और ये 300, कितना? 6,000. 6,000 ones are, 6,000 twos are. तो आई कितना है? 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मास इज वर्ल्ड, मास इज वर्ल्ड मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात होगी, राइट. अ मास इज वर्ल्ड इन सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड इट्स यूनिवर्सिटी इज वी. इफ द स्ट्रिंग इज नाउ हाफ, स्ट्रिंग को आपने हाफ कर दिया, कीपिंग द एंगुलर मोमेंटम सेम, द लीनियर वेलोसिटी इज. तो पहले क्वेश्चन समझ लो, इजी क्वेश्चन है, 2019 में आया था. ऐसा है कि पहले आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ एल है, इट विल बिकम आर. तो पहले केस में यू हैव दिस काइंड ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन. अब सर्कल दिख नहीं रहा है तो यू हैव समथिंग लाइक दिस. अभी समझ लेना, आई डोंट केयर, ओके. देन
व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज, क्या कांस्टेंट बोला है आपको? एंगुलर मोमेंटम. तो यू शुड रिमेंबर, आपने क्या किया, आपने लेंथ को हाफ कर दिया. लेंथ को हाफ कर दिया मतलब रेडियस को हाफ कर दिया. तो आर वन कितना, आर, आर टू कितना, आर बाय टू. और क्या कांस्टेंट बोला है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बोला है, मतलब एल. व्हाट इज एल, एम वी आर. जिनको नहीं पता एम वी आर, तो एम वी होता है पी, पी इंटू आर. गुड, इसमें मास तो कांस्टेंट ही है, ध्यान दो यहाँ पे, मास कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है. इसका मतलब ये एल कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, मतलब वी इंटू आर कांस्टेंट है, क्योंकि ये और ये कांस्टेंट थे. तो इसका मतलब वी वन आर वन इक्वल टू वी टू आर टू. हमें फाइंड क्या करना है, वी टू. तो आपको फाइंड करना है वी टू. वी टू इज वी वन इंटू आर वन बाय आर टू. वी वन इज वी, आर वन इज आर, एंड दिस इज आर बाय टू, मतलब टू इंटू वी, टू वी, ऑप्शन नंबर ए. सो दैट्स इट फॉर टुडे.